ये मेरी टीम की तरफ से सवाल आया हुआ है कि आप 19 साल की थी तो आंटी ने शादी का प्रेशर डाल दिया, लड़के आगे पीछे लाइनों में मैंने सुने लगा दिए, तो क्या मतलब ये कोई ऐसे कोई वो राशन बांट रहा था कि लाइनों में लड़के लगा दिए और आपने सब पे ना कर दी, इसकी क्या वजह थी? हाँ वो जैसे सारी अम्मियों के साथ, आई एम श्योर सबको जैसे ही आप बड़े होते हैं मैट्रिक किया नहीं होता, शादी करा दो. नो माई मदर वॉन्टेड ऑफ कोर्स मी टू गेट मैरिड जल्दी, मुझे शादी नहीं करनी थी. और मुझे ये बात नहीं समझ में आती ना, मेरी वालदा एक वो वाली खातून थी हु वाज लाइक मैंने शादी भी करानी है लेकिन बेटा जो चाहे करो. सो आई वाज लाइक ये दो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टिंग किस्म की स्टेटमेंट्स हैं. बट आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज मुझे मेरी मर्जी का वेवलेंथ वाला इंसान चाहिए था. कैसे ढूंढें अगर अपनी मर्जी और अपनी वेवलेंथ वाला इंसान, कैसे मुझे गाइड करो मैं कैसे ढूंढूं? मिल जाएगा, तुम्हारा वाला बहुत मुश्किल है. तुम्हारी वेवलेंथ, उस बेचारी को हर वक्त एनर्जी ड्रिंक पीनी पड़ेगी. उस बेचारी लड़की ने हर वक्त ड्रिप लगाई होगी एनर्जी ड्रिंक की, ऐसे चल रही है. देखिए कि ठीक होगी वो. सुबह उठे ड्रिप लग रही है, शाम को गाड़ी में भी ड्रिप लगी है कि डर साथ फिर रही है. मोमिन की एनर्जी इज अनमैच्ड बट मिल जाएगी, थोड़ी ठंड करो. पता तुम्हारा गूगल कल बाद महीने का आना चाहिए होगा आजम के लिए भी. भाई जिस जिसने मेरे साथ हैंग आउट करना है थोड़ी तो मेरी सेव होगी ना उसमें. ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ भी जाएं, ये आपके फैंस हैं आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ना देखो हमारे यहाँ पे लाइव रोटी भी चलेगी, फ्रूट्स. ऑफ कोर्स मोमिन का सेट और फ्रूट ना हो ऐसा. फ्रूट्स लेकर आए जी. थैंक यू. छोटी वाली प्लेटें भी लेकर आओ. ठीक है, काला नमक इसकी मैंने आपको वैल्यू बताई है, ये एक साथी है. आप इसको तरबूज के साथ खाएं, आप इसको किन्नुओं के साथ खाएं. काले नमक को आप और किस चीज के साथ खा सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये लाल लाल तरबूज फ्रेश ठंडा. थैंक यू. अगर ये सारा तुम्हारा ये यार, ये और एक ला दें, इसको मैं प्रोनाउंस करने में मुश्किल होती है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? बिस्मा आमिर. बिस्मा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम. क्या करती हैं आप? मैं डॉक्टर हूं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट. डॉक्टर है बिस्मा जी, मेरी बात सुनो. कल मेरी बात सुनो, एक मिनट यहीं से बात करो. तालियां. तो किस चीज की डॉक्टर है? आई एम ऑर्थोटिस एंड प्रोस्थेटिस्ट. क्या? ऑर्थोटिस एंड प्रोस्थेटिस्ट. मुझे कुछ नहीं पता. हड्डियों की डॉक्टर. हड्डियों की. क्वेश्चन ये मरीम आपसे कि आपने बताया कि आपकी अम्मी काफी आपको फोर्स करती थी शादी के लिए लेकिन आपने उनको मना किया, तो काइंडली टिप्स दे दें जो अपनी अम्मी को मना करने की, जो आप अम्मी को मना करती थी, क्योंकि मुझे भी अम्मी को मना करने शादी के लिए कि तुम ग्रेजुएट हो गई हो, जॉब कर ली, अब शादी करो शादी करो. आप अम्मी को पता है कि जो लड़का अम्मी रेकमेंड करे ना, नहीं हेल्थ वाइज ठीक है, हड्डियां बड़ी कमजोर है, हड्डियां कमजोर है. मैं तो ऐसी, इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम अम्मी टू अम्मी आल्सो, बिकॉज माय मदर वाज वेरी काफी लिबरेटिंग खातून है खुद भी, शी इज अ वर्किंग वुमन. सेम. तो वो समझ जाती थी कि जो है ये, जब मैं उनको बताती थी कि मुझे कोई अपने तरीके का, अपनी पसंद का, अपनी अंडरस्टैंडिंग का बंदा चाहिए. अम्मी को यही बताया कि जब मुझे मेरी वेवलेंथ का इंसान मिलेगा ना, मैं तभी शादी करूं. अब क्या इंस्टेप लेके मेरे अम्मी मेरी वेवलेंथ का? शी विल नो. Done. But you definitely are not that. Dr. Saab, thank you so much. Inshallah. Sahiba. Dr. Sahiba. Dr. Sahiba. Meri kabhi tabiyat kharab hui, to main aapko yaad zarur karunga. Agla sawal, inko mic de. Hello Momin and hello Maryam. How are you? I am good. Aapka naam kya hai? Ifra. Hello Ifra. How are you? I'm good. Arre wow. Okay. Okay Maryam, mera question. Yehi khade rehna. Yehi. Mera question Maryam se ye hai ki Maryam ko bachpan se hi is acting ki field mein jane ka shauk tha ki बाद में you know, आपको बाद में शौक हुआ? बचपन से क्या, अभी भी शौक नहीं है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करती. तो फिर कैसे घुसी एक्टिंग में? मैं थिएटर करती थी, थिएटर प्रोडक्शंस. ओके. और वहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, तो उन्होंने मुझे चलते फिरते देखा था. एंड देन से दे सेड के आप आके ऑडिशन दे दें, हमारे पास एक आपके लिए कैरेक्टर है. सो मैंने ऐसे एक्सप्लोर करने का तो बहुत शौक है ना कि अच्छा और क्या हो सकता है और क्या है. तो दैट्स व्हेन आई वेंट फॉर द ऑडिशन. नहीं एक्चुअली मैंने ऑडिशन नहीं दिया था, मैं डायरेक्ट सेट पे गई थी बिकॉज उनको एक लड़की का कैरेक्टर करवाना था. दैट वाज विद सज्जल, छोटा सा पार्ट था, 2 घंटे की शूटिंग थी. आई डिड दैट. उसके बाद मुझे ड्रामे मिलते रहे, अल्लाह का शुक्र है अभी भी मिलते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये वाला काम करने की टेंडेंसी नहीं है.
अगर आप एक्टर ना होती तो इस टाइम पे आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी होती? मैं वही चीज़ें करी होती जो मैं अभी भी कर रही हूँ. मैं प्रोडक्शन कर रही होती और मैं चैरिटी वर्क कर रही होती एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट. शी इज वेरी एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस वुमन है असल में. ये मनी 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 रिच डैड पुअर डैड जो बात है ठीक है कि नहीं? तो तालियां. मुझे इनके बारे में ये पता है जो कि बहुत अच्छी बात है कि सड़क पे अगर कोई गंदगी फैला रहा हो या कोई चीज फेंक दे तो उनको बहुत बुरा लगता है. तो पहले तो ये बताएं कभी किसी से झगड़ा हुआ इस बात पे? क्योंकि मैंने सुना आप गुस्सा हो जाती हैं. हाँ, है? बहुत गुस्सा. क्या जैसे कि जारी और पुलिस वाले? okay, को तुमने देखा? हम इस्लामाबाद में थे. हमने ट्रैफिक पुलिस, वैसे होता नहीं है क्योंकि हमारे सारे लोग काफी कॉन्शियस हैं इस बात से, बट वो ट्रैफिक पुलिस वाले थे, कीनू खा रहे थे और खा खा के जो है फेंके जा रहे थे. वैसे तो बायोडिग्रेडेबल होता है कीनू का छिलका, बट गुस्सा चढ़ गया. सो आई टोल्ड हिम कि आप किस लिए ये यू नो गंदगी करें, क्योंकि आपको पता है, खैर उनको पता भी नहीं होगा बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन आपको देख के लोग और इनकरेज होंगे ना कि अच्छा चलो हाँ हम फेंक देते हैं, रैपर्स फेंक देते होते हैं लोग, सो ये मत करें. बट ही अंडरस्टूड, आई विल गिव हिम दैट एंड दे पिक्ड अप द ठीक है. झगड़ा हुआ है कभी? झगड़ा एक दफा होने वाला था. ये बात है जब मैं नई नई कराची शादी के बाद जब मैं कराची मूव हुई थी तो मैं एक दुकान पे खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ गाड़ी में ही बैठी हुई थी और दूसरी गाड़ी में से साहब ने जो है निकाल के कचरा फेंका. तुमने कचरा उठा के उसी की गाड़ी में डाल दिया? नहीं, मैं उतरने वाली थी और मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा एंड ही इज लाइक ये इस्लामाबाद नहीं है, उसके पीछे गार्ड्स बैठे हुए हैं, उसके पास गन्स हो सकती है, दिस कुड लीड समवेयर एल्स, यू आर नॉट डूइंग दिस. और मैं इधर नहीं, उस वक्त भी मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था बिकॉज मैं उस एनवायरमेंट की भी अभी आदि नहीं थी ना कि अच्छा ये लड़ाइयाँ कहीं भी जा सकती हैं. मैं तो आराम से बोलने जाई थी कि आप ये मत करें, बट ये अनफॉर्चुनेटली बहुत होता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर सड़क पे तुम जा रही हो और साथ वाली गाड़ी में तुम मुझे देखती हो और कहती हो ओए मोमेन, हे हे मोमेन, लॉन्ग टाइम, कैसे हो, और तुम देखती हो कि इस तरह मैं अपनी गाड़ी की खिड़की में से कचरा नीचे फेंक दूँ, हाँ तो मैं गाड़ी तुम्हारे आगे ले जाऊंगी और हॉक पे हाथ रखूंगी क्या इसको. ऐसा भी हुआ है कि अगर मेरी गाड़ी में मेरे दोस्तों ने बैठ के कोई रैपर शैपर गाड़ी से उतार दिया, नहीं तो मैं गाड़ी वापस मोड़ के लेके जाती हूँ और उसको वहीं खड़ा करके बोलती हूँ उठाओ. इससे पहले कि हम मूड और अपना सेट कर ले, लिप सिंक बैटल की तरफ चलते हैं जहां पे लगेंगे मजे मजेदार गाने और आप देखेंगे किस तरह मैं गुनगुनाऊंगा, एंजॉय करूंगा और मरियम भी. तो सेट लगाए. थैंक यू. आपने जो है वो डांस किया है, वाह. यहाँ ये डांस था.